ओके तो लगभग सभी लोग आ गए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। शैल आई स्टार्ट द क्लास नाउ? यस सर। ओके चलिए, तो आज इंशाल्लाह हमारे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हमने आई थिंक 3 लेक्चर्स हो गए ना वेव ऑप्टिक्स के, आज चौथा लेक्चर है। इन द फोर्थ लेक्चर टुडे वी विल बी डिस्कसिंग, हमने शुरू में इंटरफेरेंस पढ़ लिया था और फेज डिफरेंस की वजह से जो इंटरफेरेंस होगा उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी वो हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ, ये सारी चीजें वी हैव सीन। जी याद आ रहा है क्या सबको, फॉर्मूला वगैरह याद है? देखिए किसी भी कॉम्पिटिशन का को क्वालिफाई करना, मतलब कॉम्पिटिशन नहीं कह रहा मैं, मतलब एनी वे ऑफ थिंग, वो चीजें जो आपने समझ ली है वो आपके टंग पे होनी चाहिए, ओनली देन यू आर गोइंग टू बी एक्सेल। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ और मान लीजिए मुझे सारी चीजें समझ में आ गई है, एवरीथिंग आई नो क्या होता है कैसे होता है, लेकिन वो चीजें मेरे जहन में याद नहीं है, रटी हुई नहीं है। पहले जाहिर सी बात है पहले तो समझ आना चाहिए, फिजिक्स बिना समझे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो मैं आपको पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आप भी एग्जाम में सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए लिटरली यार, वो रट आप रटने के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस अपने आप वो जहन में बैठ जाते रट जाते। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज हम अपना जो दो टॉपिक बचे हुए डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये कंपेरेटिवली छोटे हैं और क्योंकि हमने बेस बना लिया है पीछे चैप्टर का, आपने खुद भी पढ़ा था हमने भी पढ़ा है, तो बहुत आसानी से ये चीजें जल्दी से कवर हो जाएंगी, दो चैप्टर्स दो टॉपिक्स। ओके तो वी विल स्टार्ट टुडे डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आई होप द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, तो चलिए आप जो है, मैं पहले जो कल टॉपिक हमने पढ़ा था, कोई स्लैब अगर हम डाल दें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो क्या होगा, इस तरह की चीजें, टी म्यू माइनस विन, डी बाई डी, इस तरह की कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ पहले उसको करके फिर हम डिफ्रैक्शन पर आते हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या फॉर्मूले आते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स भी उस पर सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और उसमें हमने बीच में ऑप्टिकल स्लैब डाल दिया है, उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, इस पर इसको सॉल्व करिए जरा। Minimum thickness of a mica sheet having refractive index mu 3 by 2, which should be placed in front of the one of the slit, ek slit ke samne. To reduce the intensity at the center of the screen to half of the maximum intensity. Maximum intensity ka aadha ho jaye. Kahan pe? सेंटर की बात कर रहा है, सेंटर पे तो मैक्सिमम होता है ऑलरेडी, फिगर बनाइए कुछ, ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला पिछले क्लास को के नोट्स को पलट के देखिए कि कोई स्लैब डालने की वजह से क्या पाथ डिफरेंस पैदा होता है, और अगर इंटेंसिटी हाफ हो रही है मैक्सिमम की तो क्या पाथ डिफरेंस होना चाहिए, क्या फेज डिफरेंस होना चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी को आधा करने के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने फेज डिफरेंस पे होती है, पाथ डिफरेंस पे होती है। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। जब हम एक स्लैब डालते हैं तो ऑप्टिकल पाथ इंक्रीज होता है जिससे पाथ डिफरेंस बदल जाता है, पाथ डिफरेंस बदलने से फेज डिफरेंस बदलेगा, जब फेज डिफरेंस बदलेगा तो इंटेंसिटी अलग होगी, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी।
एक स्लिट के सामने रखता है। It's like this. किसी एक के सामने रख दीजिए, तो सेंटर पे जो लाइट है यहां पे मुझे मिल जाए इंटेंसिटी आई मैक्स अपॉन टू सेंटर, ये है प्रॉब्लम। और इसका म्यू दे रखा है म्यू, और टी पूछ रहा है आपसे, म्यू की वैल्यू दे रखी है 3.8। अच्छा ओके वेरी गुड, वन ऑप्शन वन स्टूडेंट हैज गिवन द करेक्ट ऑप्शन, और लोग ट्राई करें। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस ना, अगर आप ये प्रॉब्लम कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, मीन्स आप पूरे वेव ऑप्टिक्स के रूह को पहुंच चुके हैं, आप जड़ पकड़ चुके हैं कि क्या होता है वेव ऑप्टिक्स में, कैसे लाइट्स इंटरफेयर करते हैं, कैसे लाइट्स मैक्सिमाइज होते हैं, मिनिमाइज होते हैं, क्या होता है फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ओके ग्रेट लवप्रीत, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। वेरी गुड मानसी ऑल्सो करेक्ट, एक्सिका ऑल्सो करेक्ट, ठीक वेरी गुड। थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं, सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सॉल्व। लगभग मैंने 2 मिनट से ज्यादा इस प्रॉब्लम को दिया है। अब एग्जाम में आपको एक प्रॉब्लम के लिए 2 से 3 मिनट ही रहता है, इससे कम भी होना चाहिए। यस सी इज द करेक्ट ऑप्शन बेसिकली। अब देखिए इसमें कह रहा है इंटेंसिटी आई मैक्स का क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर हमें आई नो दैट द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। ये 5 क्या होता भाई, व्हाट इज 5? पहले मैं ये तो पता करूं कि वहां पे इंटेंसिटी आधा होने के लिए कितना फेज डिफरेंस पहुंचना चाहिए दोनों वेव्स का। कह रहा है इंटेंसिटी हाफ कर दो, इट मीन्स मैक्सिमम का आधा कर दिया मैंने, ये आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर 5/2। आई मैक्स कैंसिल, तो मुझे मिल गया कॉस स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका अंडर रूट कर लेंगे तो कॉस 5/2 मुझे मिल जाएगा 1/√2, और मुझे पता है 1/√2 मिनिमम जो वैल्यू होती है 45 डिग्री या π/4 होता है, तो आई गॉट 5/2 एंगल जो हो गया π/4 रेडियन। तो 5 की वैल्यू मिल गई मुझे π/2 रेडियन। इट मीन्स ये तो रट, अब तो आपको रट भी जाना चाहिए कि अगर इंटेंसिटी आधी हो रही है तो फेज डिफरेंस π/2 होना चाहिए। अब फेज डिफरेंस जरा मैं पाथ डिफरेंस निकालूं, तो यू नो दैट फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और फाई कितना है π/2 जो आपने निकाल लिया 2π/λ डेल्टा एक्स, तो पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस जो मुझे मिल रहा है वो आ रहा है λ/4, लैम्डा उधर का λ/4। इट मीन सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस कितना होता था जी, आप बताए सेंट्रल मैक्सिमा पे अगर हम स्लैब हटा दें तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, जीरो जीरो जी जीरो, क्योंकि दोनों स्लिट से इक्वल पाथ है सेंटर पे, लेकिन क्योंकि ये माइका डाला आपने, इस माइका के डालने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस मिलता है क्या, ऑप्टिकल पाथ जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो याद करिए वो एक्स्ट्रा पाथ क्या आ रहा था, डू रिमेंबर दैट -1। ओके वेरी गुड, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो पौधा होता था वो होता था T(μ-1)। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास कि अगर आप चाहते हैं कि सेंटर पे इंटेंसिटी आधी हो जाए तो सेंटर पे पाथ डिफरेंस होना चाहिए λ/4। अब ये λ/4 का पाथ डिफरेंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल पाथ तो सेम है आधे आधे, वो पाथ डिफरेंस λ/4 ये स्लैब प्रोड्यूस कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही क्या, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो पैदा हो रहा है तो दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस स्लैब, ये जो स्लैब आपने डाला है, और वो स्लैब जो पाथ डिफरेंस पैदा कर रहा है वो है T(μ-1), और हमने कैलकुलेट किया कि जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ रहा है दैट शुड कम आउट टू बी हाउ मच λ/4। तो अब वैल्यू रखिए, म्यू की वैल्यू है 3/2 -1 λ/4, तो यहां से मुझे 3/2 -1 1/2 इज इक्वल टू λ/4, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, I will get the thickness of the slab to be half of the lambda. ये था आपके पास प्रॉब्लम।
तो थिकनेस स्लैब का जो मुझे मिलना चाहिए वो लैम्बडा का आधा मिलना चाहिए। देखिए ये रहा आपके पास आंसर। समझना है क्या बात भाई? ठीक है ओके। तो सेंटर पे मैंने ज्योमेट्रिकल पाथ सेम होता है, तो जो पाथ रिफरेंस मिला है वो स्लैब की वजह से मिला है, एंड दैट इज टी म्यू माइनस वन। हमने पिछले क्लास में इसको देख लिया था और वो लैम्डा बाई फोर के बराबर है, तो माई थिकनेस ऑफ द स्लैब शुड बी मिनिमम इट शुड बी लैम्डा बाई टू। ओके चले आगे, देख लीजिए सब लोग नोट कर लीजिए। तो पहले फाई निकाला, फाई के बाद लैम्डा, सॉरी डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को मैंने स्लैब के कंडीशन पे इम्पोज कर दिया। ठीक है अच्छा, हो सकता है किसी और जगह को ये दे देता, फॉर एग्जाम्पल वो बोलता कि सेंटर के बजाय अगर आपको क्वेश्चन बोल देता कि जहां फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है, जहां पर फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है वहां पे इंटेंसिटी आधा करनी है तो कितना पाथ डिफरेंस हो, तो देखिए मैं आपको बता दूं यहां पे आप पहुंचाएंगे इसको, और हमने लास्ट क्लास में देखा था वाई का फॉर्मूला क्या था, व्हाट एन लैम्डा डी बाय डी प्लस टी म्यू माइनस वन डी बाय सॉरी डी बाय डी। मैं आपको रिवाइज समराइज करा दूं, ये आया था हमारे पास म्यू डी माइनस वन डी बाय डी, और डेल्टा एक्स क्या मिला था मुझे, डेल्टा एक्स मिला था पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा माइनस टी माइनस, याद करिए यही मिला था क्या, माइनस के साथ मिला था। यस ठीक है, और अगर हम बोले कि हम यहां पे पहुंचे हैं तो डी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डी साइन थीटा को वाई बाई डी भी लिखते थे, कैपिटल डी माइनस टी म्यू माइनस वन, इसको हमने ले लिया डेल्टा एक्स। अब क्वेश्चन अगर बोलता है, उसने बोला सेंटर पे इंटेंसिटी आधा करना, अगर वो सेंटर के बजाय बोल देता कि वहां पे इंटेंसिटी आधी करनी है जहां पे आपका फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा था, फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा था, तो कोई बता सकता है फर्स्ट मैक्सिमा में व्हाट इज द वाई, वाई की वैल्यू कितनी होती फर्स्ट मैक्सिमा? सुपर बोलो ना भाई, तो सेंटर पर नहीं बनता। हाँ वो मतलब वही बात है, मतलब वो बोले लोकेशन की बात कर रहा है कि भाई जहां पे पहले फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा था उस जगह पे बोल रहा है, जाहिर सी बात है जैसे आप फ्रिंज डालेंगे वो पूरा का पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा, इसीलिए तो इंटेंसिटी चेंज हो रही है, शिफ्ट हो गया ना। तो कह रहा है कि उस जगह पे जहां पे पहले फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा था, अगर उस जगह पे आप चाहते हैं कि अब फर्स्ट मैक्सिमा ना मिले बल्कि आधी इंटेंसिटी मिले, क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। तो कितना होता आपका टी की वैल्यू, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप वाई की वैल्यू क्या होती फर्स्ट मैक्सिमा, यू नो वाई इज इक्वल टू व्हाट, एन लैम्डा डी बाय डी, फर्स्ट मैक्सिमा की जगह वन वन लैम्डा डी बाय डी, ये हो गया वाई की वैल्यू। तो ये वाई की वैल्यू यहां रखेंगे तो मुझे मिल जाएगा लैम्डा डी बाय डी माइनस टी। अब यानी फर्स्ट मैक्सिमा पे जो पाथ डिफरेंस मिल रहा था, लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, जहां अब तब तो फर्स्ट मैक्सिमा नहीं रह गया, मेरी बात समझ में आ रही क्या? अब तो वो फर्स्ट मैक्सिमा नहीं रहेगा, फर्स्ट मैक्सिमा तो वो तब था जब आपने स्लैब नहीं डाला था, अब आपने स्लैब डाल दिया। ओके क्या हुआ, रिस्पांस नहीं आ रहा, इंटेंसिटी हाफ एट द लोकेशन ऑफ जहां पे फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा था वहां पे आपको अब ऐसा स्लैब डालना है कि ऐसा पाथ डिफरेंस पैदा हो जाए उस जगह पे कि फर्स्ट मैक्सिमा मिल सॉरी हाफ इंटेंसिटी मिल जाए। तो अब देखिए यहां से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो यू आर गोइंग टू गेट लैम्डा टी म्यू माइनस वन। अब ये आ गया आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है बेटा, अब इसको किसके बराबर रख दे, इसको किसके बराबर रख दे, बोलो ना, जो हमने कैलकुलेट किया लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, क्योंकि जहां पे इंटेंसिटी आधी करनी है वहां पे फाई कितना आ रहा है पाई बाई टू, और वहां पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है लैम्डा बाई फोर, यानी जिस जगह पे हमको इंटेंसिटी हाफ करना है उस पॉइंट का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई फोर के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? तो डेल्टा एक्स लैम्डा बाई फोर के बराबर रख दीजिए। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस टी म्यू माइनस वन इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर। अब आंसर कैलकुलेट करिए क्या आएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू टू, म्यू कितना थ्री बाई टू माइनस वन वन बाई टू, तो ये आ गया थ्री लैम्डा बाई फोर इज इक्वल टू टू। तो अब आंसर क्या था आपके पास,
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखिए रटना नहीं मेरे भाई, पिछले प्रॉब्लम से नहीं, समझ में आया कि नहीं प्रॉब्लम बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया था मेरा नया वाला पादरी फ्रेंड्स। आपने पहले इंटेंसिटी आधी करके फाइव निकाला, फाइव बाई टू, फिर वहां से डेल्टा एक्स निकाला, लैम्डा बाई फोर आया। स्लैब की वजह से पाद रिफरेंस डी साइन थीटा माइनस टी म्यू माइनस वन होता है। आपने देखा कि जहां पे फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है वहां पे वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू रखने के बाद ये आपको मिला डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को लैम्डा बाई फोर करने पर, तो अब जो थिकनेस होगा स्लैब का वो थ्री लैम्डा बाई टू रखेंगे। समझ में आई बात बेटा? यस सर। ठीक है चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज ये सारी चीजें आप जब रिवाइज करेंगे तो एक बार तो एक मिनट के अंदर रिवाइज कर लीजिएगा। आपको लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिक्स पे इंटेंसिटी हाफ करनी थी स्लैब डालकर, ये रहा मामला मेरे पास। तो थिकनेस ऑफ द स्लैब शुड बी थ्री लैम्डा बाई टू, अगर मी की वैल्यू दी हुई थ्री बाई टू। ठीक है, मैं मूव ऑन। यस सर। और आप तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, गुड डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन सिंगल थ्री डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जल्दी से कोई बता दे व्हाट इज डिफ्रैक्शन। देखिए इंटरफेरेंस तो समझ गए, इंटरफेरेंस क्या होता है भाई, दो वेव्स का किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज होना, सुपर इम्पोज होने के बाद एक रिजल्टेड इंटेंसिटी बताना, वो रिजल्टेड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, फेज डिफरेंस पे, और फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, पाथ डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस टू पाई था, फोर पाई था, जीरो था, तो कंस्ट्रक्टिव मिल जा रहा था। अगर फेज डिफरेंस पाई था, थ्री पाई था, फाइव पाई था, तो हमें क्या मिल जा रहा था, डिस्ट्रक्टिव यानी डार्क बैंड मिल जा रही। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी सिंपल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कुछ नहीं होता सर, दो वेव्स का सुपर इम्पोजिशन होता है और कुछ नहीं होता। डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड ऑब्जेक्ट, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, बिल्कुल सही बोला आपने। तो देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता है कि अगर हम ये मान लें कि एक होल से लाइट आ रही है और उसको हमने एक स्क्रीन पे लिया, तो आपको ब्राइटनेस बस यहां इतना मिलना चाहिए था। देखिए मैं, अगर हम ये माने कि लाइट रेज स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जितना बड़ा होल है बस उतना क्या मिलना चाहिए था ब्राइट, बाकी उसके ऊपर नीचे क्या मिलना चाहिए था, शेडो मिलना चाहिए था, बोलिए। लेकिन ये पाया गया कि अगर आप जो होल है उसको बहुत छोटा कर दें, तो शेडो रीजन में भी थोड़ी बहुत लाइट मिलने लगी। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात क्या पाएगी कि अगर हम कोई ऑब्स्टेकल रख दें, ऑब्स्टेकल रख दें, तो ये आपका क्या था, शेडो, लाइट आई, शेडो आपका, इट शुड बी द शेडो। लेकिन ये पाया गया कि शेडो वाले रीजन में भी कुछ लाइट मिल रही है। बात समझ में आ रही है क्या? अगर होल था तो ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली, पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था बेटा, पहले थ्योरी नहीं आई थी, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि अगर आप होल से डाल रहे हैं तो लाइट बिल्कुल जो जो आपको रोशनी मिलनी चाहिए थी बिल्कुल सीधी मिलनी चाहिए, और उसके बगल बगल में आपको शेडो मिलना चाहिए था, बट ये पता चला कि शेडो वाले रीजन में भी कुछ लाइट मिल रही है। और अगर अच्छा आपने एक लाइट सोर्स, ये लाइट का सोर्स था, लाइट के सोर्स के सामने एक आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये आपका क्या मिलना चाहिए, शेडो, बट ये पता चला कि कुछ शेडो के रीजन में भी कुछ लाइट मिल रही है, तो पता ये चला कि इसका मतलब लाइट स्ट्रेट पाथ में नहीं जा रही है, ये लाइट यहां से कुछ बेंट होके अंदर भी आई है, ये लाइट यहां से कुछ बेंट होके अंदर भी आई है, और यहां से पता चला कि लाइट बिल्कुल सीधी नहीं गई है, बल्कि बेंट होके शेडो रीजन में गई है, और ये बेंट होके शेडो रीजन में गई, बेंट होके शेडो रीजन में गई, तभी तो शेडो रीजन में लाइट मिल रही है। समझ में आई क्या? इसी फिनोमेना का नाम क्या रखा गया, डिफ्रैक्शन, कि किसी भी ऑब्स्टिकल से लाइट का बेंड हो जाना, स्ट्रेट पाथ में ना मूव करना, वो कहलाता है क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आई क्या बात? यस सर, रिपीट करो। देखिए मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ, ये आपके पास जाया था, आपने यहां से पैरेलल लाइट रेज भेजा, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जो रोशनी दिखनी चाहिए बस यहीं पे दिखनी चाहिए, बोलिए। yes. आप यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने क्या माना था, लाइट ट्रेवल्स ना स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल हमें पता था लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर फॉलो करता है, और यहाँ पे क्या उसके ऊपर नीचे क्या मिले, शेडो मिलना चाहिए, बिल्कुल डार्क मिलना चाहिए कि नहीं, बोलिए। यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा हमको मिलता भी है,
अगर आप एक टॉर्च लें और एक दीवार से छेद करके डालें तो आपको देखेंगे कि जो जो आपके पास जो होल है बस उतना ही बड़ा का लाइट मिलेगा उसके ऊपर। बट इट वॉज फाइंड कि अगर आपने होल को छोटा कर दिया, बहुत छोटा, तो पता चला कि यहाँ पे इस रीजन में भी, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे भी कुछ लाइट का पैटर्न दिख रहा, सम ब्राइटनेस आई बस इन। तो ये ब्राइटनेस मिली कहां से? अगर लाइट स्ट्रेट पाथ पे जाता तो यहां पे जो ऊपर मैंने ग्रीन लाइन से लिखा है इट शुड बी कंप्लीट डार्क शेडो, बट वहां पे कुछ ब्राइटनेस मिल रही, इट मीन्स यहां से कंक्लूजन ये मिला कि लाइट सीधी नहीं गई है बल्कि वो यहां से बेंट भी हुई है, वो यहां से बेंट, जब बेंट हुई है तो यहां जाके वो मिल रही है। आई होप आप समझ में आ रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। यस सर। इसी प्रोसेस को, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रे को, प्रोसेस को नाम दिया गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एनी ऑब्स्टिकल, अराउंड एनी ऑब्स्टिकल। लेकिन ये बेंडिंग कब होती है? हमेशा नहीं होती, देयर इज अ कंडीशन फॉर बेंडिंग। कोई बता सकता है व्हाट इज दैट कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन? लाइट कब बेंड होगा? क्योंकि कंडीशन स्प्लिट विड्थ शुड बी इक्वल टू वेवलेंथ। सॉरी फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। स्प्लिट विड्थ शुड बी इक्वल टू वेवलेंथ। ओके वेल, यानी जो आपका ये जो ऑब्स्टिकल साइज है, ऑब्स्टिकल का जो साइज है जिसको आप स्लिट विड्थ भी बोल सकते हैं, दैट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। बल्कि क्या होना चाहिए? थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो स्लिट विड्थ जिसको हम मान सकते हैं डी या डी, वो कम से या तो बराबर हो लैम्डा को, इट मीन्स आई कैन से डी बाय लैम्डा शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन। या अगर आप प्रिसाइजली बात करें, प्रिसाइजली, बहुत प्रिसाइजली की एग्जैक्ट कंडीशन, तो योर स्लिट विड्थ शुड बी लेस देन वेवलेंथ, यानी आपका जो वेवलेंथ होना चाहिए वो ऑब्स्टिकल साइज से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन होती है लाइट की बेंडिंग की। अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर आपने ये कहा कि आपका स्लिट विड्थ बहुत बड़ा है वेवलेंथ से, यानी ऑब्स्टिकल साइज इज मच मच मोर देन द वेवलेंथ, सो लाइट विल नॉट बेंड, कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी शेडो रीजन में कोई ब्राइटनेस नहीं मिलेगी एंड लाइट फॉलो स्ट्रेट पाथ, जिसको आप रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स में पढ़ा आपने? रे ऑप्टिक्स में लाइट बेंड होती है कि स्ट्रेट पाथ में चलती है? स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में। तो अगर पूछ ले कोई, मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि रे ऑप्टिक्स फॉलो होने के लिए व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द ऑब्स्टिकल साइज, यानी लेंस का साइज एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हाट इज द कंडीशन? रे ऑप्टिक्स में होने के लिए ऑब्स्टिकल साइज शुड बी मच मच मोर देन द लैम्डा, शुड बी मच मोर देन द, हाँ जी बात समझ में आ रही क्या? ये कंडीशन होती है प्रिसाइसली फॉर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन होने के लिए ये कंडीशन है। लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके ठीक है। अब ये बताइए कि साउंड वेव्स आपके आसपास, अगर आप दरवाजा बंद भी किए रहते हैं तो भी साउंड वेव दरवाजे को बेंड होकर आपके कानों तक पहुंच जाती है, तो इसमें इस कहना से साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट हो गई। इस स्लाइड को आपने नोट कर लिया क्या? जी बताइए, मैं अगली स्लाइड पे जा सकता हूँ? यस यस ठीक है। तो साउंड वेव्स बेटा क्या होती है? साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट होती है क्या? अब कोई बता सकता है? साउंड वेव्स आपको बेंड होकर चारों तरफ सुनाई देती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट टावर भाई। लाइट तो ऐसा, अगर आपने टॉर्च जलाया तो बिल्कुल सीधा जाता हुआ दिखेगा, लेकिन आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज ऐसी तो है नहीं बिल्कुल सीधे जा रही है। अगर अगर बगल में दरवाजा है, दरवाजा थोड़ा सा भी खुला हुआ है तो दरवाजे के पार होकर लाइट चारों तरफ फैल जाती है इन एवरी डायरेक्शन। I can say the sound wave or mechanical wave is diffracting. तो कोई condition बता सकता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि sound wave जो होती है वो बहुत large wavelength की होती है। Sound wave have a large wavelength. It is there in approximately meters में होती है, 2 meter, 4 meter, 0.5 meter, और आपका दरवाजा वगैरह obstacle वो भी लगभग meters में ही होते हैं, 20 centimeter, 0.5 centimeter। तो इट मीन्स साउंड वेव डिफ्रैक्ट होने का मतलब ये हुआ कि जो 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 ऑब्स्टिकल साइज डी है दैट इज स्मॉल देन द वेवलेंथ। तो क्योंकि वेवलेंथ लार्ज होता है इसलिए ऑब्स्टिकल साइज स्मॉल हो गया, इसलिए वो साउंड वेव डिफ्रैक्ट होता है। लेकिन हमारा जो लाइट वेव है वो डिफ्रैक्ट नहीं होता, वो बेंट नहीं होता, खासतौर पर विजिबल लाइट
क्योंकि जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है ना, लगभग आई कैन से 500 नैनोमीटर. तो आई कैन से 5 × 10^2 × 10^-9, 5 × 10^-7 meter, जिसको मैं ले सकता हूं 0.5 micrometer. आप देख रहे हैं कितना छोटा है. इट मीन्स अगर आपका वेवलेंथ 0.5 माइक्रोमीटर है तो जो ऑब्स्टिकल साइज है यानी स्लिट की विड्थ, दैट शुड बी लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर, तभी डिफ्रैक्शन हो पाएगा. अब आप बताइए कि आपके आसपास जो होल्स होते हैं वो तो मिलीमीटर में होते हैं या सेंटीमीटर में होते हैं, तो क्या उस होल से लाइट वेव स्ट्रेट पाथ की तरह फॉलो करेगी या डिफ्रैक्ट होगी, बेंट होगी? जी डिफ्रैक्ट होगी, बट डिफ्रैक्ट हो रहा, हाँ स्ट्रेट पाथ होगी, ठीक है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बात और बता दूं, देर आर डिफ्रैक्शन कंडीशन पे आते हैं सीधा. लेट अस कम टू द डिफ्रैक्शन कंडीशन. तो आप जरा हेडिंग डालिएगा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. सिंगल स्लिट मतलब एक होल के जरिए आप डिफ्रैक्ट कराएंगे. इसका डेरिवेशन उससे बहुत आसान है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इट्स मच इजियर. तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देखेंगे. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपने अगर पढ़ रखा है बेटा तो जल्दी से आपको आधे घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा और हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या हुआ, आप एक स्मॉल स्लिट लेंगे, यहाँ पे स्क्रीन लेंगे और आप वही कंडीशन रखेंगे कि जो मेरा डी है वो लार्ज है स्क्रीन डिस्टेंस, और हम ना इसमें स्लिट विड्थ को और यहाँ से लाइट वेव्स पैलर आ रही है. अब यहाँ पे आप एक डिफरेंस महसूस करेंगे कि यहाँ पे यू नो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हर पॉइंट जो है एक सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स होता है. तो इट मीन्स जो स्लिट का हर पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑफ द स्लिट विद एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वेव. तो अगर हम ये बात करें बेटा कि अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे कितने वेव्स पहुंचेंगे इंटरफेयर करने को, हाउ मेनी वेव्स आर गोइंग टू रीच पी फॉर इंटरफेरेंस, कितने वेव्स पहुंचेंगे अगर सिंगल स्लिट की बात करें. तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ईच पॉइंट हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट ऑफ स्लिट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वेवलेट, सोर्स ऑफ वेवलेट. मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो अगर हम ये बात करें आपसे P पॉइंट को अगर लें, तो P पॉइंट पे कितने वेव्स पहुंच के इंटरफेयर करेंगे, दो या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट. अच्छा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने वेव्स पहुंचते थे पॉइंट P पे? यार जवाब दे दो ना, एहसान कर दो मेरे ऊपर, कितने वेव्स पहुंचते थे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे? आवाज एक ही लड़का बोला, वो भी बहुत धीमा बोल रहा है. प्लीज अदर स्टूडेंट्स, कहां आप लोग खो गए, वो पढ़ रखा है सारा तो बताइए, मैं आपको सीधे क्वेश्चंस करा दूं. जी अगर आपको ये सब आ रहा है तो मैं सीधे क्वेश्चंस करा के टॉपिक कंप्लीट करते हूं. जी बताइए, थ्योरी पढ़ाए या फिर सीधे क्वेश्चंस कराए? अरे बोल दो भाई, डेरिवेशन करा दो. हाँ तो डेरिवेशन करा दो, आप जब रिस्पॉन्ड करिए ना. मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा तो मेरे भाई आप अच्छे लेवल का प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे. अभी एक क्वेश्चन फेंकूंगा आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो हो क्या रहा है, ठीक है? इसलिए डेरिवेशन देखिए कैसा है, बस पांच रहेंगे. मैं बोल रहा हूँ सिंगल स्लिट में क्या हो रहा है, जब पॉइंट पी पे हम निकाल रहे हैं कि वहां जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितने वेव्स के इंटरफेरेंस से मिल रही है, दो या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट. क्यों? क्योंकि स्लिट का हर पॉइंट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज अ वेवलेट. और जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते थे तो जहां पे पी पे इंटरफेरेंस हो रहा था वहां कितने पॉइंट पहुंच रहे थे? ओनली टू. ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, तभी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन समझ में आएगा. ओके, तो यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी विल बी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इन ऑल वेव्स. यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी सिर्फ दो वेव से नहीं मिलेगी बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हर पॉइंट से निकलेंगे,
वो सुपर इम्पोज होने के बाद जो इंटेंसिटी देंगे वही आपकी इंटेंसिटी रियल में यहाँ पे होगी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात की डिफ्रैक्शन और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या बेसिक बुनियादी फर्क है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सारी कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली है। अब जरा हम अगले स्लाइड पे आते हैं। ये रहा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट। ओके ठीक। अच्छा, ये क्या मैं ये मान सकता हूं कि इस पॉइंट के, बिकॉज यू नो आपको ये पता है व्हाट इज वेवफ्रंट, वेवफ्रंट क्या होता है, वेवफ्रंट का व्हाट इज वेवफ्रंट, वेवफ्रंट क्या होता है बेटा जल्दी बताओ, वेवफ्रंट लोकस पॉइंट। वेवफ्रंट वो लाइन होती है, वो सरफेस होता है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं क्या? ऑल पॉइंट्स वेवफ्रंट क्या होता है, ऑल पॉइंट्स इन सेम फेज, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो। अच्छा, और वेव फ्रंट वेव के परपेंडिकुलर होता है क्या? yes. वेव फ्रंट वेव, तो इसका मतलब अगर ये वेव है तो क्या वेव फ्रंट को मैं ऐसे बना सकता हूं? yes, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट, इच पॉइंट इन सेम फेज, इच पॉइंट इन सेम फेज मान सकता हूं? yes, okay, ठीक। मतलब अच्छा, अब मैं अगर ये बोलूं कि स्लिट के सारे पॉइंट्स वेव के परपेंडिकुलर हैं क्या, परपेंडिकुलर टू ये स्लिट जो है वेव के परपेंडिकुलर। बेटा अगर आप जाइए एडवांस में, मैं आ तो आज तो प्रॉब्लम नहीं करवाऊंगा, उसमें आपको टेढ़ा कर देगा और फिर वेव फेज डिफरेंस जीरो नहीं होगा। समझिए बात को, परपेंडिकुलर टू वेव है क्या हर पॉइंट, और जब परपेंडिकुलर टू वेव है तो क्या ये वेव फ्रंट बन गया क्या, और जब वेव फ्रंट बना तो क्या सारे पॉइंट्स सेम फेज में है क्या? ओके, ऑल पॉइंट्स इन सेम फेज। तो पी पे, पॉइंट पी पे जो पिंट जो फेज डिफरेंस मिलेगा वो किस वजह से मिलेगा, इनिशियल फेज डिफरेंस की वजह से मिलेगा या पाथ डिफरेंस की वजह से मिलेगा? पी पर जी मैं पूछ रहा हूं, पॉइंट पी पे जो वेव्स पहुंच रही हैं वो इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेयर करेंगे तो अलग अलग वेव्स के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा, ये फेज डिफरेंस की वजह क्या है? इनिशियल फेज डिफरेंस, मान लो एक वेव 30 डिग्री पे, एक दूसरी वेव 60 डिग्री पे, तो पहले ही 60 डिग्री और 30 डिग्री पे चल रहा है, तो एक तो योगा, एक होता है पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस मिलना। तो पी पॉइंट पे आपको जो फेज डिफरेंस मिलेगा उसकी वजह क्या है, पाथ डिफरेंस या इनिशियल फेज डिफरेंस? पाथ डिफरेंस ना, क्योंकि इनिशियली तो सेम फेज में, इनिशियल कोई फेज डिफरेंस तो है नहीं, तो हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा बेटा, वही सेम प्रोसेस, फाइंड, क्या कैलकुलेट करें बेटा, फाइंड पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकाले क्या निकालो, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस जैसे मिला मुझे फाइव, फाइव मिलते ही आप रिजल्टेड इंटेंसिटी निकालोगे क्या, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन, तो प्रोसेस सेम है बेटा, बिल्कुल प्रोसेस सेम है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डिफ्रैक्शन में भी हम वही चीज करने जा रहे हैं विथ व्हाट वी डिड इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस में बोलो यस। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिफ्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस? Yes, कितने लोग मेरे बात से एग्री करते हैं कि सर डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस? कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या था, दो वेव्स इंटर, दो वेव्स थी, डिफ्रैक्शन में क्या है, इनफाइनाइट वेव्स। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा दोनों का। तो यू कैन ऑल्सो राइट हेयर जो मैंने स्पेशल केस ऑफ व्हाट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेरेंस, इट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस। बाकी बेटा पूरा का पूरा प्रोसेस आप चिपकाने वाले हो, कॉपी मारने वाले हो इंटरफेरेंस वाला। पूरी स्लाइड लिख ली, समझ में आ गया? यस सर। तो चले आगे, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला देख के नहीं कर पाएंगे बेटा, चले आगे। यस सर। ठीक है, देखिए
अब हमारे पास आपको याद होगा तो अब ये स्लाइड देखिए जरा, ठीक है, ये हो गया। हमने ये आपके पास ये सिंगल सेट एक्सपेरिमेंट में हमने दो पॉइंट्स पकड़ लिए, एक इसके टॉप पे एक इसके बॉटम में, और स्लिट विड्थ क्या मान लिया डी, तो जब और एंगल क्या मान लिया थीटा। तो याद आ रहा है जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पाथ डिफरेंस क्या आता था बेटा, जल्दी बताओ पाथ डिफरेंस क्या आता था, वेरी गुड। यहां भी क्या आ गया, डी साइन थीटा आ गया, लेकिन फर्क क्या है कि वहां पे जो डी होता था वो दो स्लिट्स का गैप होता था, यहां पे डी क्या है स्लिट विड्थ है, ओके, वहां पे दोनों स्लिट के बीच का गैप होता था और यहां पे स्लिट का विड्थ है। अब देखिए एक बात, अगर हम चाहते हैं बेटा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होने के लिए फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए, जल्दी बोलिए कंस्ट्रक्ट। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन, अगर आप चाहते हैं पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ब्राइट मिल जाए, तो व्हाट शुड बी द फाई, व्हाट शुड बी द फाई, अरे भाई टू एन पाई, मतलब पाई होना चाहिए, पाई जीरो पाई टू एन पाई, फेस डिफरेंस पाई होना चाहिए, फाई शुड बी, ओके। अब जरा देखिए, और ये फाई फेस डिफरेंस हमें पाथ डिफरेंस ही मिलता है। अब अगर मैं मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम कि ये जो डेल्टा एक्स मैंने निकाला है डी साइन थीटा, ये लैम्डा के बराबर हो गया, मान लेते हैं, ठीक है, तो बेटा इसका मतलब मैं ये मानू कि ये पॉइंट नंबर वन ए बी, तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, फॉर ए बी लैम्डा मिल जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही क्या। अब मान लो इसके मिड में एक पॉइंट सी है, आप मुझे बताइए अगर ए बी से जो वेव पहुंच रही है पी पे उनका पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो ए और सी से जो वेव्स पहुंचेंगी उनका पाथ डिफरेंस क्या लैम्डा बाय टू हो जाएगा क्या, देखिए बोलो बोलो बोलो, सही में बोल रहा हूं गलत, ए और सी से जो वेव्स पहुंची है उनका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू होगा क्या भाई, जब आपने स्लिट विद आधा किया तो डी साइन थीटा के बजाय डी बाय टू साइन थीटा लिखेंगे, डी साइन थीटा है तो वो डी बाय टू साइन थीटा होगा, तो क्या हाफ हो जाएगा क्या पाथ डिफरेंस, ओके, तो जो लैम्डा मिल रहा था वो लैम्डा बाय टू हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम इस स्लिट को दो पार्ट में बांट दे बेटा, दो पार्ट से बांट दे, पार्ट वन और पार्ट टू, तो अगर हम ये बोले कि अगर हम एक पॉइंट चूज करें पार्ट वन में तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा पार्ट टू में जो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू देगा क्या, जैसे ए की जगह क्या दे देगा सी, मेरी बात समझ में आ रही क्या। फॉर ईच पॉइंट इन पार्ट वन, अगर मैं मान लेता हूं कि ए और बी के बीच में जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा है, तो ए और सी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू मिलेगा, और सी और बी के बीच में भी कितना मिलेगा, सी और बी के बीच में कितना मिलेगा, लैम्डा बाय टू, फाइन। इट मींस क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं स्लिट को दो हिस्सों बांट दूं, फॉर ईच पॉइंट इन वन पार्ट वन देयर इज अ पॉइंट इन पार्ट टू जिसके लिए पार्ट डिफरेंस वहां पे लैम्डा बाय टू होगा, नहीं समझ में आ रही बात, यस सर, ओके। फॉर ईच पॉइंट अगर ये कंडीशन मैं लिख दूं कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो फॉर ईच पॉइंट इन पार्ट वन सेक्शन वन देयर इज अ पॉइंट इन टू विच हैव पाथ डिफरेंस, कितना पाथ डिफरेंस, हाउ मच पाथ डिफरेंस बेटा, कितना, लैम्डा बाय टू। तो ये बताए कि तो इसका मतलब हर पॉइंट अगर जो भी वेव वहां से पहुंची पार्ट वन से पहुंच रही है उसको पार्ट टू वाला जाके कैंसिल कर देगा क्या, पार्ट टू वाला, मेरी बात, अगर पार्ट वन से एक लाइट रे पहुंचा पार्ट वन से, तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक पार्ट टू से पहुंच के उसको कैंसिल करके जीरो बना देगा क्या, yes. It means, तो हमने इसका मतलब अगर हमने लिखा कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस हो रहा है तो पॉइंट पी पे क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, डिस्ट्रक्शन मिल रहा है, डिस्ट्रक्शन मिल रहा है, यानी उल्टा हो गया क्या, क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हुआ क्या, नहीं बेटा बोलो, yes.
तो इसका मतलब आप याद रखिएगा, जो कंडीशन आप दिस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कंडीशन यहाँ पे किसके लिए हो जाएगी? डिस्ट्रक्शन के लिए। और जो कंडीशन वहां पे डिस्ट्रक्शन के लिए होती है, यहाँ किसके लिए हो जाएगी? कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्राइट के लिए। समझ में आ गई क्या मेरी बात? जल्दी बताइए, लॉजिक समझ में आया? डेरिवेशन समझ में आया सभी को कि नहीं? बोलो ओके। ठीक, तो अगर मैं ये मान लू, एक दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पॉइंट अगर हम इसको इसके पास, अच्छा चलिए मैं तो अब कंक्लूजन लिख दूं। अगर एक पॉइंट से कंक्लूजन क्या है, असल में आई हैव टू ब्रेक द फास्ट, मैं एक मिनट में चला जाऊंगा। कंक्लूजन फॉर डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन में जो पाथ डिफरेंस था डी साइन थीटा, अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो, ब्राइट हो, सो डेल्टा एक्स के बराबर कर दो बेटा एन लैम्डा, गलत सही लिखा? गलत है, उल्टा चलेगा। तो इट विल बी हाउ मच? 2n माइनस, यहाँ प्लस होगा बेटा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे हम 3λ/2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे λ/2 नहीं होगा, याद रखिएगा। इट विल बी, यहाँ पे λ/2 नहीं आता, अभी मैं बता दूंगा। 2λ/3 से शुरू होगा, तो यहाँ पे 1 से नहीं शुरू होगा, 7λ/2। और अगर आप चाहते हैं डिस्ट्रक्शन हो, मीन्स डिस्ट्रक्शन हो तो, या डार्क हो, तो इसका उल्टा कर दे, पार्ट डिफरेंस कितना कर दे आप? एन लैम्डा। ठीक है, याद रखिएगा, ये कंडीशन होती डिफ्रैक्शन में। और यही अगर मैं लिख दू कंडीशन फिर से इसी के सामने लिख दू फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ब्राइट के लिए क्या आता था बेटा? डेल्टा एक्स क्या होता था? ये होता था एन लैम्डा। और डार्क वाला क्या होता था? यहाँ पे 2n-1। देखिए यहाँ पे λ/2 से, बस ये एक चीज याद रखिएगा कि डिफ्रैक्शन में λ/2 नहीं होता, 3λ/2 से स्टार्टिंग होती है। और इन यंग डबल्स एक्सपेरिमेंट में बाकी अब आप पूरा चैप्टर कर ले जाएंगे, बस याद रखिए उल्टा कर देना है मुझे। तो मैं आपसे 5 मिनट बाद मिलता हूँ, बिकॉज आई हैव टू ब्रेक द फास्ट। ठीक है, मैं 5 मिनट मिलता हूँ। ओके, अरे भैया सभी लोग हैं क्या यहाँ पे? Yes, sir. चलिए वापस आ जाए। थैंक्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। तो चलिए ठीक है, तो एक्चुअली 6:50 इज द टाइम हियर इन अलीगढ़ फॉर ब्रेकिंग द फास्ट। ठीक है चलिए, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफ्रैक्शन में और इंटरफेरेंस में जो कंडीशन है वो अपोजिट है, उसकी एक और एक बेसिक डिफरेंस से आया। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ डिफ्रैक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? क्या बोल सकता हूँ? हाँ, क्योंकि YDSE में क्या हुआ था, वहां पे दो पॉइंट सोर्सेस थे, यहाँ पे इनफाइनाइट सोर्सेस है, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में 1λ, वहां पे λ/2 से शुरू होता है, यहाँ पे λ/2 नहीं, 3λ/2 से शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ, चलिए अगर मैं मान लू, देखिए ये बेटा फॉर्मूला आपको मैं दे दूंगा, फॉर्मूला मिलते ही आप जो पूरे क्वेश्चन करने लगे, लेकिन थोड़ा सा इसको फील कर लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तो अब आपके पास आपने ये बना दिया स्लिट, और ये मैंने सेंटर से लिया, ये रहा पॉइंट नंबर ए, ये रहा पॉइंट नंबर बी, स्लिट का विड्थ हो गया। अगर मैं मान लूं कि ए और बी की वजह से जो यहां पे वेव्स पहुंचे हैं, वही सारी कंडीशन वही है, मैं मान लूंगा डी लार्ज है, डी लार्ज होने की वजह से पैरेलल लाइट रेज, कंडीशन याद है ना सारी, डी लार्ज होना, तो पाथ डिफरेंस मैंने पिछले क्लास में क्या किया, डी साइन थीटा और थीटा आप कहां से लेते हैं? अगर मैं मान लूं कि पाथ डिफरेंस आ गया 3λ/2, देखिए 3λ/2 आ गया, तो मैं इमेजिन करूं, देखिए मैं आपको ना उल्टा लेके चल रहा हूं, शॉर्ट टाइम में इमेजिन करता हूं कि तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने, ये टोटल कितना स्लिट विड्थ था डी, और मैंने इसको तीन हिस्सों में डी बाय थ्री और डी बाय थ्री, और इसको ना देखो ए बी सी डी, तो ए और बी से जो लाइट तीन हिस्सों में बांट दिया, तो ए और बी से जो लाइट वेव पहुंची है पी पे, उसके बीच में फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस कितना है? 3λ/2। अच्छा, मैं अगर पूछू कि डेल्टा एक्स क्या होगा फॉर एसी, λ/2 हो जाएगा क्या? यस सर, बताइए डेल्टा एक्स क्या होगा, λ/2
ठीक है। अच्छा इसी तरह डेल्टा एस क्योंकि 3 लैम्डा बाय 2 है उसको 3 हिस्से में बांटोगे तो लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। अच्छा डेल्टा एक्स फॉर सी डी कितना आएगा, ये भी लैम्डा बाय 2 आएगा। ठीक। अच्छा अगर इसका मतलब मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं ए तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट सी है जो कि पी पे लैम्डा बाय 2 का पाथ रिफरेंस देगा। जब लैम्डा बाय 2 का पाथ रिफरेंस होगा तो फाई क्या पाई हो जाएगा क्या, बिकॉज फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। फाई पाई होने का मतलब क्या है बेटा, वहां पे इंटरफेरेंस कैसा मिल रहा है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। बोलिए हाउ फाई पाई, फेज डिफरेंस पाई होने का क्या मतलब है, जो पाथ जो आपको पॉइंट पी पे जो ब्राइट जो इंटरफेरेंस मिलेगा ए और सी से जो वेव पहुंचने के बाद दो वेव वो क्या मिलेंगे, ब्राइट और डार्क। फाई क्या होता है भाई, डार्क होता है ना, इट इज डार्क बिकॉज इट इज फाई के पाई पी क्या होता है, डार्क होता है। अच्छा तो अगर हमने इसका मतलब हमें दिख रहा है कि ए बाई सी अगर मैं इसको मान लू रीजन वन, इसको मान लू रीजन टू और इसको मान लू रीजन, इट मीन्स अगर हर पॉइंट हम ए में ले, ए वन रीजन वन में ले तो उसके करस्पॉन्डिंग रीजन टू में एक पॉइंट होगा जिसका पाथ रिफरेंस लैम्डा बाय टू होगा। इट मीन्स पॉइंट रीजन वन का हर पॉइंट कैंसिल हो जा रहा है रीजन टू के एक पॉइंट से जिनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू है। ओके तो आई कैन से दैट फॉर ईच पॉइंट इन पार्ट वन देर इज अ पॉइंट इन पार्ट टू, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से सारे वेव्स के, देर इज अ पॉइंट इन पार्ट टू फॉर विच पाथ रिफरेंस डेल्टा एक्स, पाथ रिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, कितना डेल्टा एक्स, लैम्डा बाय टू। तो क्या रीजन वन और रीजन टू डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे क्या पीपल, सो रीजन वन पॉइंट्स एंड रीजन टू पॉइंट्स व्हाट विल हैपन, दे विल डिस्ट्रक्ट या फिर डार्क डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्ट मींस फॉर एट पी, मेरी बात ये बात समझ में आए। तो बचा कौन सा रीजन, ओनली थर्ड इज लेफ्ट, ओनली रीजन थ्री इज लेफ्ट, और रीजन थ्री के सारे पॉइंट जब पी पे पहुंचेंगे तो डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे, वो इंटरफेयर होंगे पॉजिटिव मैनर में, कंस्ट्रक्टिव मैनर में, और वहां पे क्या मिलेगा, एक ब्राइट पैटर्न मिलेगा मुझे, ओनली लेफ्ट फॉर इंटरफेयरिंग एट पी, ओनली रीजन थ्री इज लेफ्ट फॉर इंटरफेयरिंग एट पी, सो इट विल बी ब्राइट, क्योंकि अब ब्राइट होगा, बट अच्छा ये ब्राइटनेस जो है पूरे स्लिट की वजह से आई है या सिर्फ कुछ हिस्से की वजह से आई है, यार कुछ तो बोल दो मेरे भाई। इस अगर मैंने पार्ट डिफरेंस थ्री लैम्डा बाय टू किया, इमेजिन किया कि तीन हिस्से में, तो मैंने देखा कि दो रीजन के पॉइंट तो वहां जाकर लैम्डा बाय टू बना रहे हैं तो कैंसिल हो गए, बचा एक रीजन, वो एक रीजन के पॉइंट को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, और आपको बताया कि वेव्स इंडिविजुअली ट्रीट किए जा सकते हैं सुपरपोजिशन के जरिए, तो ओनली थ्री के पॉइंट्स वहां मिल रहे हैं और वहां पे जो आ जाके वो इंटरफेयर करें, एक ब्राइट पैटर्न बनाएंगे, लेकिन ये जो ब्राइटनेस पैदा हो रही है वो पूरे विड्थ की वजह से पैदा हो रही है या ओनली सिर्फ पार्ट ऑफ विड्थ की वजह से पैदा हो रही है जी, बट दिस ब्राइटनेस इज ड्यू टू ओनली वन थर्ड, क्योंकि दो हिस्सा तो कैंसिल हो गया, वन थर्ड ऑफ स्लिट। ठीक है बात समझ में आई क्या बेटा, yes, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास, तो थ्री लैम्डा बाय टू पे क्या हो गया, इसने दो हिस्से कैंसिल हो गए, एक हिस्सा जो है जाके वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा, तो मुझे ब्राइट मिल गया। अच्छा अगला मैं देखता हूं जरा, अगर मैं मान लू कि 5 लैम्डा बाय 2 है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, ये स्लाइड नोट कर लीजिए, तो फॉर एवरी पॉइंट इन रीजन वन
जिसमें रीजन टू का एक पॉइंट उसको जाके कैंसिल करेगा तो बचेगा क्या सिर्फ रीजन टू। अच्छा अगर मैं मान लू कि पार्ट डिफरेंस 5 λ/2 होता, कितना होता बेटा 5 λ/2, तो आप λ/2 के 5 हिस्से बना सकते थे। Yes, और उसमें से कितने हिस्से कैंसिल हो जाएंगे, 4 हिस्से कैंसिल हो जाएंगे। ओके λ/2 λ/2 लेट मी डू। अगर हम इसको मान ले, पिछला वाला पॉइंट नोट कर लिया क्या, हैव यू नोटेड डाउन दिस, ये प्लाई, ये सारी बातें नोट कर ली, प्लीज नोट कर लीजिए, अगर आपको आता है फिर भी नोट करिए। नोट कर लिया, यस सर। ठीक है, अगर हम ये मान ले कि ए और सी से जो पाथ डिफरेंस आया डेल्टा एक्स फॉर ए सी दैट आई गॉट फॉर एग्जाम्पल 5 λ/2, तो इसको मैं 5 हिस्से में बांटू, 1, 2, 3, 4, तो लेट मी कॉल दिस रीजन 1, 2, 3, 4, 5। तो रीजन 1 और 2 के बीच में कितना होगा पाथ डिफरेंस, λ/2। रीजन 3 और 4 के बीच में भी λ/2, 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 तो क्या रीजन 1 के पॉइंट्स को रीजन 2 कैंसिल कर देगा इस, yes. और रीजन 3 के पॉइंट्स को रीजन 4 कैंसिल कर देगा। इट मींस रीजन 1 कैंसिल विथ 2 एंड रीजन 3 कैंसिल विथ 4, क्योंकि इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस मिलेगा λ/2, 5 हिस्सों में इमेजिन कर लिया, तो कौन सा रीजन बचा, ओनली रीजन 5। और ये क्या करेगा, पॉइंट पी पे वेव्स भेज के वहां पे कंस्ट्रक्टिव कराएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इट मींस 5 λ/2 पे भी पॉइंट पे पी पे क्या मिल जाएगा, ब्राइट। अच्छा ये बताइए, इसमें जो कंस्ट्रक्शन हुआ है दैट इज ओनली ड्यू टू हाउ मच पार्ट, 1/5। तो ये बताइए कि इसमें जो ब्राइटनेस मिलेगी वो पिछले वाले ब्राइटनेस से कम होगी, ज्यादा होगी, कम। पिछले प्रॉब्लम में 1/3 हुआ था और इसमें कितना मिला, 1/5। इसी तरह अगर आप 7 λ/2 करेंगे तो कितने, 7 पार्ट में करेंगे, 6 पार्ट कैंसिल, बचेगा कितना, 1 पार्ट, तो उसमें कितना होगा, ओनली ड्यू टू 1/5। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि डिफ्रैक्शन में जैसे जैसे आप ऊपर जाना शुरू करते हैं सेंटर से, आपकी जो इंटेंसिटी है वो वीक होती है। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस क्या होगी, वीक, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द विड्थ इज प्रोड्यूसिंग ब्राइटनेस, बाकी क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। लेकिन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता बेटा, ऐसा नहीं होता। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हर पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होती है, सेम, क्यों, क्योंकि वहां पे जितने जितने वेव्स है या तो पूरे के पूरे कंस्ट्रक्ट होंगे या तो पूरे के पूरे डिस्ट्रक्ट होंगे, वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द इंटेंसिटी ऑफ ईच ब्राइटनेस, ब्राइट फ्रिंज इज सेम, बट इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा होगा, सेंटर वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला। मेरी बात समझ में आ रही क्या, तो ओनली ड्यू टू 1/5। तो जब आप पैटर्न, हाँ बताइए सर, ये बात जरूरी है कि जो लास्ट रीजन होगा वही बता। अरे नहीं 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 मेरे भाई, ये मैंने लास्ट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है फर्स्ट वाले, देखिए कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स जिनके बीच में λ/2 पॉइंट हो रहा होगा वो कैंसिल हो रहे होंगे, और कोई भी ऐसा पॉइंट जिनके बीच में फेज डिफरेंस लैम्डा होगा वो बच जा रहे होंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, उसको उसको थोड़ी पता है कि मेरे को रीजन वन वाला कैंसिल करने वाला, वेव तो एक साथ पहुंच गए, वेव तो हम अपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, रियली हैप्पी टू हियर दैट साउंड, कि सर जरूरी है फिफ्थ वाला रीजन, ऐसा जरूरी नहीं बेटा। कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट से कैंसिल हो सकता है, कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट से कंस्ट्रक्ट हो सकता है। ये तो हमने अपने समझने के लिए कि अच्छा यार चलो देखते हैं लैम्डा पर, रीजन वन में अगर हम कुछ पॉइंट्स मान लें तो क्या रीजन वन के पॉइंट को कोई कैंसिल करने वाला है कि नहीं, तो आपको मिला हाँ यार कुछ लोग हैं कैंसिल करने वाले। दिस इज फॉर विजुलाइजेशन ओनली, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओवरऑल जो होगा सिर्फ 1/5 हिस्सा बचेगा जो कंस्ट्रक्टिव करेगा और 4 हिस्सा कैंसिल हो रहा होगा, समझ में आ गया बेटा, इट्स फॉर विजुलाइजेशन, इट्स फॉर आवर। तो अगर सेंटर पे देखेंगे, अच्छा सेंटर पे किस, सेंटर पे अगर बात करें तो सेंटर पे सारे के सारे वेव्स कंस्ट्रक्टिव हो रहे होंगे क्या, ओके ठीक। तो देखिए सेंटर पे जो ब्राइटनेस मिलेगी
ऑल जो ब्राइटनेस मिल रही है सेंटर पे ड्यू टू ऑल मिल रही है। अच्छा फर्स्ट ब्राइट पे कितने से मिल रहा है? 1/3 से। जब सेकंड ब्राइट मिल रहा है 1/3 ऑफ स्लिट से। और थर्ड ब्राइट पे किससे मिल रहा है भाई? 1/5 ऑफ द स्लिट। तो मैं बेटा ये बताना सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां पे होगी? सेंटर। सेंटर पे। उसके बाद तो दैट्स व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस एट ड्यू टू द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया इंटेंसिटी। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा कौन सा फर्स्ट, उसके थोड़ा सा। दिस वे द इंटेंसिटी कीप ऑन डिक्रीज। तो ये देखिए ये वाला लोकेशन है फर्स्ट सेंटर का, ये लोकेशन हो गया फर्स्ट का, ये लोकेशन हो गया सेकंड का, फर्स्ट का सेकंड का। इंटेंसिटी इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्यों सर इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है। बहुत से बच्चे इसको डिराइव, ठीक है चलिए मैं आपको, हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, 5-7 मिनट, लेट्स डिराइव सम फॉर्मूला। चलिए फ्रॉम फॉर्मूले की तरफ। यस ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो ब्राइट के लिए बेटा कंडीशन क्या है? ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो कि क्या बना, डी साइन थीटा। ये किस ब्राइट में क्या लिखूं इसको? एन लैम्डा, यंग डबल स्लिट का उल्टा। व्हाट शुड आई राइट? 2n+1 λ/2। और आपको पता है अगर थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? y/D। तो मैं लिख दूंगा y/sin थीटा बन जाएगा tan थीटा के बराबर, और tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/D। इसको हम लिख देंगे 2n+1 λ/2। तो फर्स्ट ब्राइट कहां पे मिल रहा है? पहला ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट विल बी dy/d। n की जगह 0 रखिए, क्या मिल जाएगा? λ/2। तो इट विल बी λ d/2। ओके सेकंड ब्राइट कहां मिलेगा बेटा? सेकंड ब्राइट में n की जगह यहां रखो 2, तो दोनों 4 × 5, तो 5λ d/2d। ओके इन दोनों के बीच का गैप निकालो, वही क्या कहलाता है? स्लिट विड्थ। व्हाट इज द विड्थ? विड्थ कितना आएगा? माइनस करो दोनों को, माइनस करिए जरा। ओके तो λ d/2d कॉमन ले ला, 5 − 1 4। हाँ बताइए सर, फर्स्ट ब्राइट के लिए हमने n को 0 डाला, फर्स्ट के लिए नहीं, सॉरी एन की 1, हाँ सॉरी ये 3 आएगा ना, 3 n = 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 2। वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही। तो दिस विल बी n = 0, तो सेंटर का होता है ना, n = 0 तो सेंटर के लिए होता है। तो यहाँ मुझे मिलेगा 5 − 3 = 2, क्या मिल गया? देखिये विड्थ की फॉर्मूला बिल्कुल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बराबर आ गया। तो विड्थ ऑफ द स्लिट, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वल टू वॉट? λ d/d। ठीक है, इसी तरह चलिए जल्दी से नोट करिए, डार्क पे आते हैं, जल्दी से डार्क पे आते हैं। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, कुछ भी नया नहीं है बेटा, कुछ भी नया नहीं है। आगे चले, दो ब्राइट फ्रिंज से, ठीक है ओके। अब जरा मैं सेंटर पे, सेंटर के लिए 0 रखेंगे, ब्राइट हो गया, डार्क के लिए बताना क्या होगा? डार्क के लिए, डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस क्या निकाला मैंने? d sin थीटा को किसके बराबर रख दू? एन लैम्डा। तो वही कंडीशन रख दू अगर मैं y d/d = n λ, ठीक है, तो y will be equal to n λ d/d। तो फर्स्ट डार्क कहाँ मिल रहा है बेटा? λ d/d। सेकंड डार्क कहाँ मिल रहा है? 2λ d/d। इनके बीच का गैप निकालना, तो स्लिट विड्थ तो सेम आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क आएगा, ये स्लिट विड्थ जो है
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बिट के बराबर है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेंटर वाले के बिट के। सेंटर वाले का बिट जो है बेटा, यहां से आपने निकाला क्या, सेंटर वाला दोनों तरफ होगा। अगर हम ये मान लें बीटा है तो ये भी क्या हो गया बीटा, ये क्या है सेंट्रल बाइट। सेंटर वाला ब्राइट क्या होगा, देखो ये क्या है फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट की विथनेस जो है वो कितना है लैम्डा डी बाई डी, सेकंड की बितनी होगी, थर्ड की बितनी होगी, फोर्थ की बितनी होगी, फिफ्थ की बितनी होगी, लेकिन सेंट्रल ब्राइट की विथनेस आपको टू टाइम्स दिख रही है क्या, देखो टू बीटा दिख रहा है ना, तो सेंट्रल ब्राइट की जो बिट होती है दैट इज टू डब्ल्यू एंड दैट विल इक्वल टू टू लैम्डा डी बाई डी। बात याद रखिएगा बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर हो चाहे पहला हो चाहे दूसरा, हर का विड्थ क्या होता था सेम, हर की इंटेंसिटी क्या होती थी सेम, लेकिन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में सेंट्रल वाले का विड्थ क्या होगा डबल होगा, बाकी सारे फ्रिंजेस का विड्थ क्या होगा सेम होगा। सेंटर और सेंटर वाले का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, बाकी जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते रहेंगे इट विल बी इंटेंसिटी विल रिड्यूस। तो ये रहा पूरा ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला और थ्योरी का कंक्लूजन। समझ में आ गई क्या बात? यस ठीक है। तो आप मुझे ये बताया कि अगर हम बोले कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और डबल सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको तीन चार डिफरेंस पॉइंट वाइज करके बता रहा हूँ। देखिए पहला डिफरेंस क्या है, मेरी बात सब लोग ये सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू लिसनिंग केयरफुली। देखिए पहला डिफरेंस क्या है डबल स्लिट और सिंगल में, किस डबल स्लिट में दो पॉइंट्स की वजह से पैटर्न बनता था और सिंगल डिफ्रैक्शन में कितने पॉइंट से पैटर्न बनता, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, डबल स्लिट पे ब्राइटनेस जहां मिलती थी वहां पे सिंगल स्लिट पे क्या मिलेगा डार्क। एल लैम्डा पे डबल स्लिट पे ब्राइट मिलता था, यहां पे एल लैम्डा पे क्या मिलेगा डार्क, और वहां पे 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पे मिलता था डार्क, यहां पे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई डी पे 2 मिलेगा मुझे मिलेगा ब्राइट। ठीक उल्टा चलेगा, यंग डबल स्लिट में सारे ब्राइट पैटर्न्स का इंटेंसिटी क्या होता था सेम, यहां पे पैटर्न इंटेंसिटी क्या होगा जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे घटता रहेगा। चौथा पॉइंट कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारे स्लिट्स का सारे जो पैटर्न्स का विड्थ क्या होता था सेम, इसमें क्या होगा सारे जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं या डार्क फ्रिंजेस हैं सबका विड्थ क्या होगा सेम, लेकिन सेंटर वाले का विड्थ क्या होगा डबल होगा। ये चार पांच डिफरेंसेस हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। ठीक है चलिए बहुत हो गया, एक दो टाइम इज ऑल्सो ओवर। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल करके ये वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे। पोलराइजेशन छोटा सा कल हो जाएगा, डिफ्रैक्शन एक थोड़ा सा मुश्किल होता है जिसको समझाना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। चलिए जरा इस स्लाइड को पढ़िएगा और आप देखिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। कंपेरिजन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, देखिए इंटरफेरेंस में कह रहा है टू कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, इसमें कह रहा है वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट, यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। फ्रिंज विड्थ सबका सेम होता है, इसमें क्या होता है सबका सेम होता है लेकिन सेंटर वाले का डबल होता है जो कि 2 लैम्डा बाय डी होता है। सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, इसमें इंटेंसिटी क्या होता है डिक्रीज होता है। अच्छा यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिनिमम की होती है वो जीरो होती है, लेकिन यहाँ पे जहां पे मिनिमा बन रहा है वहां पे इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी बेटा, क्योंकि ज्यादा वहां पे कुछ ऐसे भी पहुंच रहे होंगे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो सॉरी लैम्डा हो रहा होगा, तो कंप्लीटली जीरो नहीं होता मिनिमा। इट मीन्स मैं कह सकता हूं द डार्क ऑफ द डिफ्रैक्शन इज नॉट कंप्लीटली डार्क, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जो हल्का फुल्का ब्राइटनेस दे रहे होंगे। याद रखिएगा डार्क ऑफ द डिफ्रैक्शन इज नॉट कंप्लीटली डार्क, मैक्सिमा यहाँ एल लैम्डा मिलता है, मिनिमा 2n माइनस 1, यहाँ पे जहां पे ब्राइट होगा वहां पे डार्क होगा। ये स्लाइड प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, नोट करिएगा। पार्ट डिफरेंस क्या होता है एन लैम्डा किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, इसमें कितना होगा मैक्सिमा के लिए, यहाँ पार्ट डिफरेंस मिनिमा के लिए ये होता है, यहाँ पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है। भाई ये स्लाइड सारी समझ में आ गई, नोट कर लिया क्या आपने? यस ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन दिस इन योर माइंड एंड कॉपी।
ठीक है चलिए, तो इन द नेक्स्ट क्लास बी रेडी टू कंप्लीट दिस चैप्टर वे ऑफिस और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है. ओके ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग.